दोस्तों, एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जरूरी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन को खुशहाल और आपके चाहने वालों को खुश करता है। हमारे बहुत से दोस्त बार बार यह पूछते हैं कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बनाएं। लाइफ में सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। हर किसी काम में सफलता पाने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखना जरूरी है। दोस्तों, यह एटीट्यूड ही आपको मुश्किलों से आगे बढ़ने में मदद करता है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपनी क्षमता पर डाउट करते हैं और सोचते हैं दूसरे क्या कहेंगे या अपने आप को छोटा समझते हैं। ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम सब इन परेशानियों को फेस करते हैं, लेकिन हम इन समस्याओं से चुपके से भाग नहीं सकते, वो फिर भी वही रहेंगी। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हम इन सब इश्यूज को डील कैसे करें। जब हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं तो मुश्किल वक्त भी इतना बुरा नहीं लगता। हमें ये जानने की जरूरत है कि असल में एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के लिए इंसान कौन सी चीजें देखता है। लेकिन सभी का कॉमन जवाब यही होगा, लुक, ड्रेसिंग सेंस एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ हंके बाल बना लेने से और महंगे कपड़े पहन लेने से किसी का एटीट्यूड नहीं बन जाता। एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत सी चीजों से रिप्रेजेंट होती है, और ऐसी बहुत सी चीजें क्या है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कभी कभी हमारे नेचर, हमारे बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार हमारे आसपास के लोगों को काफी बुरी तरह से प्रभावित करता है। कभी कभी हमारा नेचर ही हमसे हमारे किसी अपने को, किसी दोस्त को या रिश्तेदार को दूर ले जाता है। इसलिए हमारे अंदर अगर कोई बुरी आदत है तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, ताकि हमारी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे अपने एटीट्यूड को निगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपने एटीट्यूड के साथ जीने की फीलिंग्स और किसी और की पहचान के साथ जीने की फीलिंग्स के बीच क्या फर्क होता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने एटीट्यूड के साथ जीता है या जिसके पास अपना एक अच्छा एटीट्यूड होता है। अपना एक एटीट्यूड होने की खुशी ही कुछ और होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कैसे आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हैं। मोटिवेशन। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स में मोटिवेट होने में हेल्प मिलती है और आप इजीली फुलफिल करने में कामयाबी रहते हो। दोस्तों, मोटिवेशन एक पॉजिटिव क्वालिटी और वंडरफुल ट्रीट होती है। ये आपको फॉरवर्ड पुश करती है और साथ ही साथ इंक्रेज भी करती है और बाधाएं को काबू होने में भी हेल्प करती है। दोस्तों, माइंड को पॉजिटिव फ्रेम सेट करने से सक्सेस के लिए मोटिवेशन इंक्रेज होती है। ये आपको बिलीव भी करवाती है कि आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। और तो और दोस्तों, एटीट्यूड आपको ज्यादा ही अचीव करवा देती है जो आपने सोचा भी नहीं होता। कैसे लाए पॉजिटिव एटीट्यूड? दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान में सकारात्मक सोच होनी बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक रवैया आपको खुशहाल और अधिक लचीला बनाता है। इससे आपके संबंधों में सुधार होता है और यह किसी भी प्रयास में सफलता की संभावना को भी बढ़ाता है। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको और अधिक रचनात्मक बनाता है और इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। सुबह सुबह घूमना। दोस्तों, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए जरूरी है कि आपको सवेरे सवेरे रनिंग करना बहुत जरूरी है। सुबह ठंडी हवा में घूमने या दौड़ने से आपके दिमाग में एक नई शक्ति मिलती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर दिन भर के कामों की लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा काम होने पर कोई तनाव नहीं होगा। इसके अलावा सुबह का उठना आपकी दिनचर्या को भी सही बनाता है, जिससे आपका मूड सही रहता है। अच्छे कपड़े पहने। दोस्तों, हालांकि कपड़े व्यक्ति को नहीं बनाते, लेकिन कपड़ों का प्रभाव कुछ हद तक हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनकर लोगों से मिलते हैं तो आपके अंदर एक भावना होती है कि आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। इस तरह की भावना से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप लोगों से आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने का यह मतलब नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहने। इसका मतलब यह है कि आप साफ और आप पर जचते हुए कपड़े पहने, खुलकर जिए। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप खुलकर जीने की कोशिश करें। जब आप बिंदास होकर अपनी लाइफ को जीते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव रहेगा और आप एटीट्यूड में रहेंगे। इसलिए अपनी लाइफ को खुलकर जीने का प्रयास करें, फिक्र ना करें। दोस्तों, फिक्र करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम सब परेशान है, आज क्या होगा, इस हफ्ते, महीने, साल की फिक्र है। दोस्तों, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट है, तो ये फिगर बहुत हद तक कम हो जाती है। आप बेकार का एक्स्ट्रा टेंशन लेते हैं। जब आप ऐसी चीज की फिगर करते हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जब आप फिगर करना बंद करते हैं तब आपको पता चलता है कि वह तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। दोस्तों, फिगर न करने से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगा सकते हैं, जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए बेहतर रिजल्ट आएगा। विश्वास रखें। दोस्तों, एटीट्यूड बनाने के लिए आप क्या हो
और आप क्या कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपनी क्षमता पर कभी भी डाउट ना करें, और अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो दोस्तों अपना पूरा एफर्ट उसको भगाने में लगा दीजिए, जब तक कि आपका डर निकल कर भाग न जाए और आप अपना कॉन्फिडेंस न पाले। दोस्तों खुद को मोटिवेट करने के लिए सक्सेस स्टोरी पढ़ें और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प मिलेगी। दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें दोस्तों। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अन्य किसी लोगों से अपनी तुलना न करें, क्योंकि अगर आप तुलना करते हैं तो निश्चित ही आप अपने से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति से अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, जो कि नकारात्मक एटीट्यूड को शो करता है। जिम्मेदारी ले दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जरूरी है कि आप खुद अपने कामों की जिम्मेदारी ले। कब तक दूसरों के भरोसे जियोगे? जो भी आप काम कर रहे हैं उसे खुद करने की सोचे, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और काम कितना भी कठिन होगा आप उसे आसानी से कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता या फिर कहीं ये काम मेरे से गलत न हो जाए। मुस्कान दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हंसना शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है। इससे न सिर्फ आसपास के लोग खुश रहते हैं बल्कि आपका शरीर भी बहुत सी बीमारियों से निजात रहता है। हंसने से आपके हार्मोन भी बदलते हैं और आपकी बॉडी को अच्छा मैसेज भेजते हैं जिससे आप निरोगी रहते हैं। सफल जिंदगी के लिए जरूरी है चेहरे पर हंसी। अपने मस्तिष्क में सकारात्मकता डालें दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग सही तरीके से काम करे। अपने दिमाग को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे मनोहर गाने सुने, जितने भी हो सके अपने दिमाग को हल्का रखें, जिससे आपको किसी भी काम को करने में परेशानी ना हो। तैयार रहो दोस्तों, एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है। वह बिना किसी झंझट के किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह ये नहीं सोचता कि इससे उसे लाभ होगा या हानि, लोग बातें बनाएंगे या उसे कुछ भी सुनाएंगे। इसीलिए आप किसी भी काम को करने की निपुणता रखें। सकारात्मक विचार दोस्तों, सकारात्मक विचार सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मकता। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचार लाने के लिए आप सकारात्मक लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, इससे आपकी जिंदगी में नए नए विचार आएंगे जिससे आपका एटीट्यूड जल्दी ही बदल जाएगा। आत्मविश्वास के साथ रहें दोस्तों। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपना उत्साह बनाए रखें दोस्तों। उत्साह लोगों के जीवन के प्रति एक महान दृष्टिकोण है। उत्साह को बढ़ाने के लिए आप अपने द्वारा कामों को सोचें और किसी भी काम को करने से पहले मन में ठान लें कि यह हो सकता है। उत्साही होने से आपको एटीट्यूड बनाए रखने में मदद मिलेगी कि जीवन अच्छा है और आप जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हैं। अपने विचार रखें दोस्तों। समूह चर्चा में ऐसा कई बार होता है कि कई लोग कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि दूसरे लोग उन्हें सुनेंगे और अगर वो कुछ भी गलत बोलेंगे तो सब सोचेंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसा डर अपने अंदर हटा दीजिए। प्रत्येक समूह चर्चा के दौरान कम से कम एक बार बोलें, जिससे आप धीरे धीरे अच्छे वक्ता बन जाएंगे। आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेंगे और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।